एशियन गेम्स में क्रिकेट पहली बार सुना था तो काफी अटपटा लगा था ना, क्योंकि हम एशियन गेम्स में क्रिकेट पहली बार खेलने जा रहे हैं। वैसे भी हमें क्या फर्क पड़ता है, हमें तो जितना भी क्रिकेट दिखाएंगे हम ठूस लेगा भाई। एशियन गेम्स सिलेक्शन फॉर टीम इंडिया इज डन, और पूरी की पूरी टीम को अगर आंखें चिपका के देखेंगे क्या मस्त टकाटक कड़क टीम है भिड़ो। भी ऐसा खिलाड़ी आपको नहीं दिखेगा जो टांग पर टांग चढ़ा के बैठ सके। नो बिग नेम्स, नो स्टार प्लेयर्स, सारे के सारे यंगस्टर्स हैं, वो भी मोस्टली अंडर 30। तो यंग टीम को करके दिखाने का मौका मिला है और ऋतुराज गायकवाड़ में लोगों को धोनी दिखा है। 26 साल की उम्र में उन्हीं की तरह कप्तान बनने का जो मौका मिला है, और ये कहना गलत नहीं होगा कि अगली IPL में यही हो सकते हैं कप्तान इफ मही डिसाइड्स नॉट टू प्ले। एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट टू बी नोटेड मिलॉर्ड, अभी एशियन गेम्स में अगर ये नए नाम मस्त खेल गए तो अगले साल जो T20 वर्ल्ड कप होना है इसमें से ये बड़े लोग इनके नाम तो आउट ही हो जाएंगे। और वैसे भी एशियन गेम्स के लिए काफी सारी ऐसी टीम्स होंगी, काफी कंट्रीज होंगी जिनकी मेन टीम नहीं सेकंड मेन टीम आएगी खेलने के लिए, क्योंकि वर्ल्ड कप और एशियन गेम्स ऑलमोस्ट साथ साथ ओवरलैपिंग डेट्स है ना। तो टीम की तरफ देखते हैं, जो लोग हैं वो तो हैं, वी आर वेरी हैप्पी फॉर देम, लेकिन जो लोग नहीं हैं उनके लिए रोना पीटना शुरू हो जाता है। धवन का बल्ला चला तो इंडिया की जीत पक्की। ओपनिंग की जान हुआ करते थे शिखर धवन 2010 से लेके 2022 तक, वन डेज में 17 सेंचुरी मारने वाले एंड 6793 रन पीटने वाले, द वन एंड ओनली शिखर द वन। गब्बर को रबर लेके मिटा दिए, ईशान और शुभमन की सेंचुरीज को देखकर धवन के लिए रास्ते बंद हो चुके हैं। शिखर धवन को क्यों नहीं लिया गया, इंडिया वॉन्ट्स टू नो। भारत सवाल पूछ रहा है, क्या शिखर धवन का करियर समाप्त हो चुका है या उन्हें नहीं लिया गया, ये वर्ल्ड कप की ओर के संकेत हैं। क्योंकि नए खिलाड़ी का परफॉर्मेंस तो अच्छा रह सकता है, लेकिन क्या एक्सपीरियंस खिलाड़ी की जरूरत नहीं होगी। वैसे शुभमन और ईशान को अगर ओपनिंग के लिए चॉइस के लिए रखा जाए तो वर्ल्ड कप के लिए भी शिखर धवन का सिलेक्शन मुझे तो काफी डिफिकल्ट लग रहा है। सो कुल मिलाकर बना ये है कि T20 में 2021 में लास्ट नजर आए थे, उसके बाद टेस्ट की अगर बात करें तो 2018, और अगर वनडे की बात करें तो 2022 से बाहर है। यानी कि तीनों ही फॉर्मेट्स में से शिखर धवन का पत्ता कट कर दिया गया है। तो क्या बाय बाय थैंक यू गब्बर कहने का टाइम आ चुका है। इन सब बातों के बीच में मुझे सिलेक्शन से रिलेटेड एक पॉइंट याद आया। एक बात बताओ यार, जब हम सो जाते हैं तभी ये सिलेक्टर्स क्यों जाग जाते हैं? सारे अनाउंसमेंट रात को 11-12 बजे किए जाते हैं ताकि सुबह हम उठे तो हमारे पास ब्रेकिंग न्यूज हो, और हम जैसे लोग संडे हो या मंडे काम धंधे पर लग जाए टीम पर आ जाते हैं। ऋतुराज गायकवाड़ इनको देखकर हर कोई खुश है कि इतना यंग हमारा कप्तान कहीं से भी कप्तान के लेकर आ जाएगा खींच के। मतलब कुल मिलाकर सिलेक्टर्स ने यंग टीम पर फोकस किया है। चाइना में जा रहे हैं, ऋतुराज गायकवाड़ हमारे कप्तान हैं, बिश्नोई अहमद सुंदर ये हमारे स्पिन चैंप्स हैं, विकेट कीपिंग के भी दो ऑप्शंस हैं, और साथ ही स्टैंड बाय में जो नाम है वो भी बिल्कुल कड़क, ऋतुराज, जायसवाल, राहुल त्रिपाठी और तिलक वर्मा, साथ ही रिंकू सिंह। इनका नाम देखते ही सारी जनता एकदम खुश हो चुकी है, सबके चेहरे पर स्माइल। एंड द गोल्डन बॉय ऑफ इंडिया, जायसवाल की बात किए बिना कैसे खत्म कर सकते हैं ये वीडियो। जायसवाल जो है वो हर फॉर्मेट में छा जाएंगे और जल्द से जल्द आ जाएंगे, कुछ ही समय की बात है, क्योंकि मजा हुआ खिलाड़ी है यार। लेफ्ट आर्म ओपनर जिसे राइट हैंडेड ओपनर के साथ अगर मिक्स कर दिया जाए सॉलिड कॉम्बिनेशन बन सकता है, जो हम ऑलरेडी टेस्ट में देख चुके हैं। और धड़ाधड़ खेलना हो या फिर टिक के जम के खेलना हो, दोनों ही फॉर्मेट्स में अपने आप को प्रूव कर चुके हैं। ऑल इन ऑल माल सामान जो एशियन गेम से रिलेटेड था वो समाप्त हो चुका है, लेकिन जाते जाते पूछना चाहूंगी, शिखर धवन को अगर टाटा बाय बाय बोलना ही था तो अच्छे से सेंड ऑफ भी दे देते, लास्ट टाइम कप्तानी का मौका ही दे देते, क्योंकि जब भी BCCI को जरूरत थी शिखर धवन उनके लिए हाजिर रहे हैं। गब्बर हैज ऑलवेज बीन देयर, वी लव यू गब्बर।